छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सच एक दिन देश के सामने आएगा। उनके मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक का लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जरा सा भी लाभ नहीं मिलेगा। सत्यनारायण शर्मा ने यह भी कहा कि मोदी को पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार गिरा है। अगर मोदी का जादू कायम रहता तो 3 राज्यों में बीजेपी की करारी हार नहीं होती। उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई है कि बीजेपी में व्याप्त जो अंदर द्वंद है इसके वजह से पार्टी जल्द ही गृह युद्ध छिड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर परचम लहराने जा रही है। तो सत्यनारायण शर्मा से खास बातचीत की हमारे स्वराज संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने। शख्स से जिसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का वरिष्ठ नहीं बल्कि दिग्गज नेता करना चाहिए कहना चाहिए। जी हाँ, सत्यनारायण शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी अगर राष्ट्रीय परिदृश्य से बात की जाए तो एयर स्ट्राइक बड़ी छाई हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक, तो क्या कहेंगे? वर्षन है इसमें, जो संदेह पैदा हो रहा है उस संदेह के आधार पर बहुत सी बातें हैं जो बनावटी भी दिखती हैं कुछ, और जो जिसके बारे में हमारे लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, कुछ विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। तो ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे सब बातें सामने आएंगी, क्योंकि ये जो ये मायावी रूप जो है लोगों का वो भी सामने आएगा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ समय और वक्त और दीजिए, सारी बातें घटनाक्रम साफ हो जाएगा। कई तरह के प्रश्न जनता के मन में हैं, पॉलिटिशियंस के मन में हैं, कई राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो सच्चाई क्या है इस पर संदेह उत्पन्न हो गया है। सच्चाई सामने धीरे धीरे आती है, सच्चाई को ज्यादा दिन तक कोई छुपा नहीं सकता, सच्चाई एक दिन देश के सामने आएगी। आपको क्या लगता है ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है कितना बीजेपी को चुनाव में लाभ दे सकती है या कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी कीमत पर बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिल सकता। 15 दून की विधायक जीत के आए हैं, 15 साल का दावा करने वाले लोग इस तरह से इस बार परास्त हुए हैं जिसका कोई उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। और बाकी का मध्य प्रदेश में भी इसका असर होगा, राजस्थान में भी असर होगा, साउथ में भी असर है, इवन अहमदाबाद में असर हमको लग रहा है कि इसका अहमदाबाद में कोई असर नहीं होगा इसका। और जनता सच्चाई धीरे धीरे जान रही है, और सच्चाई सबसे पहले गुजरात से ही प्रकट होगी ऐसा भी लगता है। सच्चाई जो प्रकट होगी, जो सच्चाई सामने आएगी, मुझे ऐसा लगता है गुजरात से ही सामने आएगी। मतलब आपको लगता है कि पीएम मोदी का जादू कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है? निश्चित रूप से उनका ग्राफ इतना गिरा है, तभी तो 3 स्टेट में जीती कांग्रेस। मोदी जी का जादू अगर चला होता तो ये परिस्थितियां क्यों बनती? छत्तीसगढ़ में 68 सीटें विधायक जीत करके आए हैं हमारे। अब क्या लगता है आपको 11 में से लोकसभा में कितनी सीट मैक्सिमम हम लोग जीतेंगे? इक्का दुक्का सीट छत्तीसगढ़ में अगर जीत गई भाजपा तो बड़े बहुत बड़ी बात होगी, वरना सभी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, कई बार नेताओं की बयानबाजी भी जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है? अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो पुलवामा हमले को दुर्घटना बता रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, अब बड़े नेताओं के बीच में हम लोग ज्यादातर बोलने के आदि नहीं, झाड़ों की लड़ाई में पौधों का नुकसान हो जाता है। तो अब जिसका अर्थ निकाल ले, कोई किस ढंग से अर्थ निकालता है, कोई किस ढंग से अर्थ लगाता है, लेकिन बड़े वरिष्ठ नेताओं पर कोई टिकट टिप्पणी करने कल की ही बात करें तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह कहा कि 15 मई के बाद मोदी जो है पीएम नहीं रहेंगे। आपको क्या, आपकी क्या राय है? मोदी जी का ग्राफ इतना ज्यादा गिर रहा है कि उन्हीं की पार्टी में एक तरह से गृह युद्ध टाइप का हो जाएगा ऐसा लगता है। जो भाजपा में जो वरिष्ठ लोगों की जो कदर खत्म हो गई है उससे उनमें भी नाराजगी है। और इस वक्त विधानसभा के हमारे चुनावों के बाद में जो अंतर्द्वंद भाजपा में चल रहा है वो हम लोग सब जानते हैं। इतना ज्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। अभी हमारा बजट सेशन हुआ, उसमें सामने आई ये सब बातें, और उसका इसलिए एक दूसरे से तो ठीक से व्यवहार करना सीख जाए लोग, इसी से लगता है कि जादू ज्यादा चलने वाला नहीं। कमलनाथ की अगर बात करें तो 76 दिन का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, आपको क्या लगता है भूपेश बघेल सरकार ने पिछले जो महीने 2 महीने गुजरे हैं कितना जनता के लिए काम किया, क्या उपलब्धियां मानते हैं? हमारे यहाँ एक तो बजट सेशन पूरा हुआ, पूरा बजट हमने पारित किया है हमारे स्टेट में। दूसरा, जो किसानों को जो सौगात मिली है 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदना एक ऐतिहासिक काम हुआ है। दूसरा, जो कर्ज माफी हुई, ऐतिहासिक काम हुआ है।
बिजली का बिल आधा माफ हुआ 400 यूनिट तक, ये जनता में आकर्षण पैदा करने वाली बातें हैं। और इसके अलावा हर वर्ग को उन्होंने ध्यान रखा है, कोई ऐसा अभी छोटे छोटे भूखंड थे हमारे जो गरीबों के भूखंड थे जिसको बेचने पर भाजपा रोक लगा दी थी, उसकी रजिस्ट्री होने लगी। अब किसी गरीब आदमी की शादी है, लड़की की शादी है, कोई कहीं से लोन उसको मिल नहीं रहा, वो दुखी था बेचारा, छोटे छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री होने से उसकी समस्या का समाधान हो गया। लोग रिलीफ महसूस कर रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस का परचम बहुत ऊंचा है हमारे क्षेत्र। निश्चित तौर पर ये थे छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता सत्यनारायण शर्मा, जिन्होंने दावा किया है कि जिस तरीके से विधानसभा में सुपर डुपर जीत मिली थी कांग्रेस को, उसी तरह से कुछ वही मंजर और वही आलम जो है लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन राकेश मकोरिया के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वर एक्सप्रेस भोपाल।